सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने वाले हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यूआईडी इन 2024। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा 2017 का एएस गेमिंग वर्सेस 2024 का एएस गेमिंग। गाइस अभी तो आप लोग जानते हो एएस गेमिंग के चैनल पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है कि आखिरकार 2017 में एएस गेमिंग कैसा होगा? गाइस आज मेरे पास फ्री फायर के यूट्यूबर्स का 6 साल पुराना गेम प्ले है, तो वो हम लोग गेम प्ले देखेंगे। और उसके अंदर हमें बहुत सारे प्लेयर्स की आईडी मिली है जो कि उस टाइम पर उनके टीममेट्स या फिर उनके एनिमी बन के आए थे। उन बंदों की आईडी अभी हम लोग सर्च करके देखेंगे, क्या वो बंदे अभी तक फ्री फायर को खेलते हैं, और अगर हाँ तो क्या उनके पास कोई रेयर बंडल है लाइक गोल्डन हिप हॉप बंडल, गोल्डन सकुरा बंडल या फिर कोई और रेयर बंडल, या फिर उन लोगों ने फ्री फायर को बस मजे के लिए डाउनलोड करा था और 5-6 दिन खेलने के बाद फ्री फायर को डिलीट कर दिया। अब ये तो पता चलेगा आपको आज की वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2017 में किसी भी प्लेयर को देखकर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि वो अभी कैसा होगा। जो भी बंदे 2017 में नूब थे, अभी उनके पास इतने रेयर ड्रेस आ चुके हैं, उनकी आईडी इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि आपको बिलीव नहीं होगा। अभी तो बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और कब तक यार हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर रहेंगे, तो गाइस इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। और हाँ, वो जो बेल वाला आइकन है उसे भी ऑल पे सेट जरूर कर लेना। और ज्यादा देरी नहीं करते हुए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला क्लिप है ये होने वाला है टू साइड गेमर्स का। तो गाइस इस वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो TSG ऋतिक है वो परगेटरी पर उतरे थे और इनके सामने एक एयर ड्रॉप आता है। तो गाइस ये एयर ड्रॉप लूटने जा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था भाई एयर ड्रॉप के साइड में यहाँ पर बंदे थे। तो गाइस उन बंदों ने इनके ऊपर फायर करा और इनको नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद में भाई उन बंदों ने 1 सेकंड भी वेट नहीं करा और इनको पूरा फिनिश कर दिया। और इनके एलिमिनेट होने के बाद में हमें मिल गए इनके कुछ टीममेट्स की आईडी, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई यहाँ पर हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 टीममेट्स की आईडी मिली है, तो भाई आईडी सर्च करने में तो मजा आएगा। तो चलो हम लोग आईडी को सर्च करते हैं। गाइस हमें सबसे पहले जिस बंदे की आईडी मिली है उस बंदे का नाम था महेश और उस बंदे का लेवल था 45। अब आप लोग बोलोगे भाई 45 लेवल ज्यादा थोड़ी होता है, लेकिन गाइस उस टाइम के हिसाब से तो ये लेवल बहुत अच्छा था। तो चलो फिर हम लोग आईडी को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं गेम के अंदर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और चलो आईडी को सर्च करते हैं। तो यहां पर मैंने आईडी को सर्च कर दिया है और ये क्या भाई, ये बंदा फ्री फायर में 30 दिन से ऑफलाइन है। 30 दिन तो उसे फ्री फायर में दिखा रहा है, ये बंदा उससे ज्यादा से ऑफलाइन है, मतलब इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया है। और अगर हम लोग इस बंदे की आईडी को ओपन करते हैं गाइस, यहां पर हमें देखने को मिलता है इस बंदे का 55 लेवल था। इसके अलावा अगर हम लोग ड्रेसेस देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गाइस ये वाला स्कल मास बंडल, उसके बाद में सीजन 8 के एलाइट पास की पैंट, और इस बंदे के बैजेस भी आप लोग देख सकते हो। इस बंदे की आईडी के अंदर सीजन 2 के बैजेस हैं, सीजन 3, 4, 5, 6 और ऐसे करते करते सीजन 11 तक के बैजेस। यार ये आईडी देखने बाद मैं तो एक ही चीज सोच रहा हूँ भाई, अगर इस बंदे को गेम लीव करना था तो कम से कम अपनी आईडी किसी को दे देता, वही बंदा इस आईडी से खेलता रहता और अभी आईडी ऑफलाइन नहीं होती। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग 500 रुपए या फिर 1000 डायमंड बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, और इसके लिए आप लोगों को 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। और ये जो ट्रिक है ना वो बस कुछ ही टाइम के लिए है, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी फॉलो कर लेना। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना और ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप लोग चाहे तो रिडीम कोड ले सकते हो, फ्री फायर में डायमंड ले सकते हो या फिर असली पैसे भी ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो टॉप पर एक लिंक मिल जाएगा, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये जो लिंक है वो है विंजो गोल्ड का। अब आप लोग विंजो गोल्ड को सुन के स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोगों को सिंपली जो है विंजो गोल्ड को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके ओपन करना। अब असली जो ट्रिक है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो गाइस जैसे आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको साइन अप करने को बोलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको जो है ना किसी भी नए नंबर से साइन अप कर लेना है। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, आप लोग कोई पुराना नंबर यूज मत करना, आप लोगों को नया नंबर यूज करना है जिससे आप लोगों ने आज तक अभी विंजो गोल्ड में लॉग इन नहीं करा। तो जैसे आप लोग साइन अप कर लेते हो तो गाइस उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे गेम मिल जाएंगे, तो आपको उनमें से किसी भी एक गेम को खेल लेना है। अब यहाँ पर फ्री वाले ऑप्शन भी है, तो आप लोग फ्री वाला गेम भी खेल सकते हो। अगर आप लोग ऐसा करते हो ना तो गाइस इसके बदले में आपको 550 रुपीज मिल जाएंगे, और यहाँ पर जीते हुए पैसे से आप लोग फ्री फायर के डायमंड खरीद सकते हो, रिडीम कोड ले सकते हो या फिर डायरेक्ट उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक है ना वो बस कुछ ही टाइम के लिए है, तो गाइस आप लोग इसको जल्दी ट्राई करना और अपने अकाउंट में डायमंड ले लेना। गाइस अभी मैंने आपको जिस बंदे की आईडी दिखाई, इस बंदे के और टीममेट्स भी थे जिसकी आईडी हमें उस क्लिप के अंदर मिली थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा था जिसका नाम था फराज, तो इस बंदे की आईडी हमें मिली थी और इस बंदे के पास सीजन 5 का इलाइट पास था। और इसके अलावा उस टाइम पर भी इस बंदे का जो गेम प्ले था वो काफी अच्छा था। इसी बात पर इस बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है। तो गाइस जैसे इस बंदे की आईडी में सर्च करता हूँ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा भाई ये बंदा भी गेम में ऑफलाइन हो चुका है, ये बंदा भी 30 दिन से ऑफलाइन है। वैसे 30 दिन तो उसे फ्री फायर में दिखाता है, ये बंदा उससे भी ज्यादा ऑफलाइन। एंड जैसे हम लोग इस बंदे की आईडी ओपन करते हैं तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका
चुका है 71, इसके अलावा 10,000 लाइक, जो कि थोड़ा सा कम है क्योंकि इस बंदे ने बहुत टाइम पहले फ्री फायर को लीव कर दिया था। और इस बंदे के बैजेस आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर सिर्फ दो सीजन के बैजेस है। यार ये आईडी तो कोई मिस्टीरियस आईडी है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर बंडल्स की, तो गाइस आपको देखने मिल जाएगा इस बंदे के पास आर्टिक ब्लू का मास्क है, फिर ये इनक्यूबेटर वाले हेयर और जैकेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सीजन 5 की हीरोइक की जैकेट है जो कि अभी के टाइम में बहुत रेयर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यार ये आईडी भी काफी रेयर है, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे ने भी फ्री फायर को लीव कर दिया। भाई अगर ऐसी आईडी मेरे पास होती ना, मैं तो फ्री फायर को कभी लीव नहीं करता। तो चलो फिर इसके बाद में हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है वो होने वाला है देसी गेमर्स का, मतलब कि अमित भाई। तो गाइस ये वाला जो क्लिप है वो देसी गेमर्स के सबसे पुराने लाइव स्ट्रीम का है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अमित भाई क्लॉक टावर की साइड में थे और इनके सामने कोई एनिमी आता है जो कि इनको नॉक कर देता है। नॉक करने के बाद जितने में इनका टीममेट इनको रिवाइव करता, सामने वाला बंदा अमित भाई को पूरा फिनिश कर देता है। और इनके एलिमिनेट होने के बाद में हमें मिल जाती है इनके टीममेट की आईडी, जिसको आप लोग देख सकते हो। चलो गाइस अभी हम लोग इस आईडी को सर्च करके देखते हैं कि आखिरकार अभी इस बंदे की आईडी कैसी हो गई। गाइस अभी हम लोगों ने आईडी को सर्च कर दिया है और आप लोग देख सकते हो भाई ये क्या यार, ये बंदा 30 दिन से ऑफलाइन है, मतलब कि इस बंदे ने भी फ्री फायर को क्विट कर दिया है। अब जैसे हम लोग इस बंदे की आईडी ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल है 38, इसके अलावा 180 लाइक्स, जो कि बहुत कम है क्योंकि इस बंदे ने सीजन 9 में फ्री फायर को क्विट कर दिया। भाई अगर ये बंदा अभी तक फ्री फायर को खेलता ना, तो इसको पता होता 2017 में जिस बंदे के साथ इस बंदे ने खेला था वो अभी इतना बड़ा यूट्यूबर बन चुका है। और शायद इस बंदे को तो पता भी नहीं होगा कि इस बंदे ने देसी गेमर्स के साथ खेल रखा है और एक टाइम पर ये बंदा उनका टीममेट था। अगर ये बंदा फ्री फायर को अभी तक खेलता ना, तो न जाने इस बंदे की आईडी में कितनी रेयर चीजें होती हैं और इस बंदे की आईडी कितनी खतरनाक होती। तो चलो फिर इसके बाद में हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है ना, वो होने वाला है एक्शन बोल्ट का। तो इस वाले क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हो ये स्नो वाला मैप है जो कि फ्री फायर में 5 साल पहले आया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस एक्शन बोल्ट जो है वो जोन के बाहर आ गए और शायद कैंप कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर इनका जो पता नहीं कोई पिंग इशू होता है जिसकी वजह से इनकी जो हेल्थ है वो एकदम खत्म हो जाती है और उसके बाद में ये नॉक हो जाते हैं। और इनके जो टीममेट्स थे वो भी काफी दूर थे, जो कि जब तक इनको रिवाइव करने आते इतने में पूरा फिनिश हो गया। इनके एलिमिनेट होने के बाद में हमें मिल गए इनके टीममेट्स की आईडी। तो गाइस इनके टीममेट्स को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हमें जिस टीममेट की आईडी मिली है उसका नाम है पवन रॉ, और इस बंदे की आईडी आप लोग खुद ही देख सकते हो। इस बंदे पास स्कलमास बंडल था, उसके अलावा इस बंदे पास उस टाइम का इलाइट पास भी था और 57 लेवल था जो कि बहुत ज्यादा है। इसी बात पर बंदे की आईडी सर्च करनी तो बनती है। तो चलो फिर हम लोग चलते जल्दी से गेम के अंदर और आईडी को सर्च कर लो। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आईडी को मैंने सर्च कर दिया है और यार आईडी को बाहर से देखकर ही लग रहा है आईडी के अंदर कुछ ना कुछ रेयर होने वाला है। तो चलो फिर हम लोग आईडी को जल्दी से ओपन करके देखते हैं। गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 75, उसके अलावा 29,000 लाइक्स, जो कि काफी बढ़िया है। और अगर हम लोग बात कर लें ड्रेसेस की, तो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सीजन 7 के इलाइट पास का कैप, उसके बाद में सीजन 4 के हीरो की टी शर्ट जो कि अभी के टाइम में बहुत रेयर है। और इस बंदे की M4A1 की स्किन भी आप लोग देख सकते हो, ये भी काफी रेयर है, ये पहले शोडाउन मोड में मिलती थी। और इस बंदे का एवटर बैनर भी आप लोग देख सकते हो, वो सीजन 4 के हीरोइक का है। और गाइस ये सब जो चीज है ना वो अभी बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि फ्री फायर में ज्यादातर बंडल्स रिटर्न आ चुके हैं, लेकिन हीरोइक की टी शर्ट और हीरोइक की चीजें अभी तक रिटर्न नहीं आई। गाइस ये जो बंदा है ना, इस बंदे का एक और टीममेट भी था जिसकी आईडी हमें मिली थी। गाइस इस बंदे का नाम था राज साहब और इस बंदे की आईडी के अंदर हिप हॉप बंडल था। इसके अलावा ये बंदा हीरोइक पर भी था, इस बंदे की आईडी में सीजन 7 का इलाइट पास भी था, मतलब ये बंदा उस टाइम के हिसाब से बहुत खतरनाक प्लेयर था। इस बंदे की आईडी हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, तो फिर क्या था, इस बंदे की आईडी को मैंने जल्दी से सर्च कर लिया। गाइस जैसे मैंने आईडी सर्च करी, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ये बंदा कुछ टाइम पहले गेम में ऑनलाइन था। अभी इस बंदे ने अपना नाम चेंज करके रख लिया है राय साहब। तो चलो अभी हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और इस बंदे की आईडी को ओपन करके देखते हैं। सो गाइस जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस बंदे का लेवल हो चुका है 76, इसके साथ में 30,000 लाइक्स, जो कि काफी बढ़िया है। और अगर हम लोग बात कर लें ड्रेसेस की, तो गाइस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे के पास ये सीजन 3 का गोल्डन वाला इलाइट पास है। और मैं आप लोगों को बता, इस बंदे के पास सीजन 3 के साथ साथ और भी बहुत सारे गोल्डन इलाइट पास हैं, लाइक सीजन 2 का हिप हॉप बंडल है वो भी गोल्डन वाला, इसके अलावा गोल्डन सकुरा बंडल भी है और भी बहुत सारे रेयर बंडल, मतलब अभी आपको ये आईडी जितनी रेयर दिख रही है ये आईडी उससे भी ज्यादा रेयर है। तो गाइस ये आईडी तो आप लोगों ने देख ली। तो चलो फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं उस प्लेयर की ओर जिसका वेट आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हो। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ AS गेमिंग की। चलो फिर मैं आपको AS गेमिंग का सबसे पुराना गेम प्ले दिखाता हूँ। गाइस अभी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो ये AS गेमिंग के चैनल की सबसे पुरानी वीडियो है, ये वीडियो 5 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो इसके अंदर गाइस AS गेमिंग जो है हमें हाइडिंग प्लेसेस बता रहे थे। चलो आप लोग ये वीडियो देखो और इसके अंदर इनकी ऑडियो भी है, तो आप लोग इनकी वॉइस भी सुनना। तो आपको यहाँ क्लॉक टावर के साथ में जो 3 घर होते हैं यहाँ पर आना है। अच्छा, तो आपको जो ये लाल घर दिख रहा है यहाँ, इसकी सेकंड फ्लोर पे जाना है जो ऊपर है। ठीक है, गन चक लेता हूँ। फिर उसके बाद जो सोफा है इसके पीछे आपको छुपना है और मैं दिखाता हूँ कैसे कुछ।
तो आप यहाँ से भी इसके पीछे जा सकते हो। तो गाइज आप लोगों ने देखा, ये थी इस गेमिंग की सबसे पुरानी वीडियो और इसके अंदर आप लोगों ने इनकी वॉइस सुनी। इनकी वॉइस ऐसी लग रही थी मानो ये किसी से छुपकर वीडियो बना रहे हैं। ऐसे यार जितने भी यूट्यूबर होते हैं स्टार्टिंग में तो सभी ऐसी बोलते हैं, भाई मैं अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ मुझे खुद इतनी हंसी आती है, मैं भी पहले ऐसी बोलता हूँ। चलो आप लोगों ने इनकी पुरानी वीडियो तो देख ली, अभी हम लोग देखते हैं इस गेमिंग की आईडी। गाइज अभी आप लोग स्क्रीन पर आईडी देख सकते हो, ये है इस गेमिंग की असली आईडी। और आप लोग देख सकते हो भाई ये जो आईडी है ना वो 7 दिन पहले ऑनलाइन थी, क्योंकि इस गेमिंग अभी फ्री फायर को बहुत कम खेलते हैं। चलो अभी हम लोग जो आईडी को ओपन करके देखते हैं। सो गाइज जैसे मैं आईडी को ओपन करता हूँ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इनके आईडी के अंदर है 67 लेवल, इसके अलावा 1 लाख प्लस लाइक्स जो कि बहुत बढ़िया है, हालांकि लेवल थोड़ा सा कम है। एएस गेमिंग फ्री फायर को बहुत कम खेलते हैं। बात कर लें अगर हम लोग इनके ड्रेसेस की, तो गाइस अभी तो इन्होंने ज्यादा रेयर ड्रेस नहीं पहना रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके आईडी के अंदर सीजन 3 के एलाइट पास का बंडल है, मतलब की गोल्डन वाला सीजन 3 होगा, और भी उसके अलावा बहुत सारे रेयर बंडल्स होंगे। आप लोग बताना गाइस आपको एएस गेमिंग की आईडी कैसे लगे। चलो गाइस इसी साथ में आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।